हाँ जी बेटे, डी ब्लॉक हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड वी वर डिस्कसिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। तो वी हैव डिस्कस्ड एक्सप्लेन व्हाई ए कॉपर पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम। जो कॉपर पॉजिटिव वन होता है ना बेटे, ये क्वेश्चन आता है। एक ये बोलेंगे कॉपर टू पॉजिटिव, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था, आप जरा देख लेना जाके, ठीक है। एक कॉपर पॉजिटिव वन होती है, देखो कॉपर पॉजिटिव वन कहते हैं जी, एक्वस मीडियम में स्टेबल नहीं है। क्वेश्चन आएगा पेपर में, सीधा का सीधा आता है ये वाला, ठीक है। जब हम इसको वाटर में डालते हैं ना, तो ये कॉपर टू पॉजिटिव और कॉपर में ब्रेक हो जाता है, इसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन, ठीक है, उससे एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, एक लोअर बनती है। तो हायर कौन सी बन गई, प्लस टू वाली, और लोअर कौन सी बन गई, जीरो वाली। इसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ आ रही है क्यों अनस्टेबल एक्वस सॉल्यूशन में? क्योंकि कॉपर पॉजिटिव वन से कॉपर टू पॉजिटिव बनता है। अब कॉपर टू पॉजिटिव की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि टू पॉजिटिव में से दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ना, तो साइज छोटा हो गया। समझ आ रही है? जितना साइज छोटा होता है उतनी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है, उतना वो जल्दी बनती है स्पीशीज। गॉट द पॉइंट? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई कॉपर पॉजिटिव वन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, ये क्या लिख रहे हैं देखो, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन इनथैल्पी ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन विच आर इज हाई, विच कैन ओवरकम द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि कॉपर पॉजिटिव वन में से कॉपर टू पॉजिटिव बना, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकला, वो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल क्यों गया, क्योंकि जब कॉपर टू पॉजिटिव बनता है तो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है। समझ आ रही है? इसके कॉन्ट्ररी एक क्वेश्चन हमने कल किया था, जो बोलता था कि ई नॉट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में क्यों है, तब भी आपका यही आंसर है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी वाला। ये ध्यान से देखना आपने। हाँ, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या, पता है आपको क्या होती है? ये देखो, ये लेंथेनम है, ठीक है, ये लेंथेनम है। पीरियोडिक टेबल पता है थोड़ा सा कुछ, 57 पे लेंथेनम पड़ा है। लैंथेनम छोड़ के यहां से सीरियम शुरू हो जाता है, यहां से सीरियम शुरू हो जाता है, ठीक है, यहां पे हाफनियम शुरू हो जाता है, ठीक है जी। यहां पे कितने एलिमेंट आते हैं, 14। यहां पे कितने एलिमेंट आते हैं, 14। ऐसे करके 14 एलिमेंट आते हैं। एफ ब्लॉक है ये, एफ ब्लॉक है ना। अब जब F ब्लॉक में, हमने F ब्लॉक क्यों बनाया अलग से साइंटिस्ट ने आके, क्योंकि F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन F सब शेल में जाते हैं। समझ आ रही है? F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन F सब शेल में जाते हैं, और जो F सब शेल है उसमें जो ऑर्बिटल हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज्ड है। जैसे कि जो वो एस ऑर्बिटल होता है उसका स्फेरिकल है, इसका डंबेल है, डी का क्या होता है, डबल डंबेल है ना, तो एफ का वैसे ही डिफ्यूज्ड होता है बहुत ज्यादा। समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो, एफ में एंटर हुए, एफ के बाद फिर से डी में एंटर हो गए, हुए कि नहीं हुए? लैंथेनम के बाद सीरियम शुरू हुआ, फिर यहाँ 14 एलिमेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ आ जाओगे आप। पहले ये भी बात समझ लो साथ में, ठीक है। वैसे ही आगे एक्टिनियम के बाद दूसरी एफ सीरीज आएगी, समझ आ रही है? फिर आप फिर से डी शुरू कर देते हो यहाँ पे, समझ आ रही है? अब जब एफ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एफ में
तो एफ का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। आप ये मानो कि एक ये एक मैग्नेट बीच में खड़ा है जो कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है। पहले एस में इलेक्ट्रॉन गए, फिर पी में गए, ठीक है जी, फिर मान लो एफ में गए और बाद में डी में जा रहे हैं। ये जो एफ बीच में आ रही है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। अब जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने प्रोटॉन भी तो बड़े अंदर, बड़े हैं कि नहीं बड़े। अब प्रोटॉन का चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब मगर ये जो एफ वाले इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड नहीं कर पा रहे, ये दीवार है, दीवार में मैंने कर दिए होल्स। अब होल्स के कारण इस मैग्नेट का बाहर पिंस पहिया उसके ऊपर वो क्या लगेगा, अफेक्ट लगेगा, वो पास आ जाएंगी। इसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि अंदर वाले एफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज है, बिखरा हुआ है। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे है कि यहाँ है इलेक्ट्रॉन मान लो, फिर यहाँ नहीं है, ये खाली है स्पेस, फिर यहाँ है, फिर ऐसे है, बिखरा हुआ है बिल्कुल। जब बिखरा होता है तो उसका स्क्रीन का स्क्रीन की होती है शील्ड करना, इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पास आने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखरा हुआ होता है तो वो शील्ड नहीं कर पाएंगे। अब समझ आ रही है, मेरे पास एक शील्ड है जिसके पास होल्स हैं, क्या वो शील्ड कर पाएगी? एक शील्ड है एस, क्या इससे स्फेरिकल है, वो शील्ड ऐसी है गोल है, वो तो शील्ड कर पाएगी ना। एफ क्या शील्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये मैग्नेट बाहर उधर से खींच लेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, तो साइज छोटा हो जाता है। इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो ये जो क्वेश्चन था ये था कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि जो एक्टिनॉइड है उसमें इलेक्ट्रॉन जाते, लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4F में, एक्टिनॉइड में जाते हैं 5F में। तो 5F का क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। अब जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा डिफ्यूज होगा, बिखरी हुई शील्ड ज्यादा होगी ना, उसमें होल ज्यादा होंगे, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम हो जाता है। समझ आ रही है? साइज बड़ा, एक्टिनॉइड क्या है, जो नीचे सीरीज पड़ी है, तो एक्टिनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है लेंथेनॉइड की, क्योंकि जो लेंथ एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेक्स्ट में जाते हैं। समझ आ रही है जी? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आपने आप लिखना है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, दिस यू विल डू योरसेल्फ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज क्वाइट स्टेबल व्हाइल द सेम इज नॉट ट्रू फॉर आयरन? क्या शील्डिंग इफेक्ट, ये मैग्नीज है। पहले आप ना अपनी नोटबुक खोलो, स्कैंडियम से लेके जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जल्दी लिख दो, मैं अभी बहुत क्वेश्चंस आने हैं, हरी अप। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे रखा करो जब डी ब्लॉक स्टडी करने आते हो, हरी अप। बिल्कुल याद होनी चाहिए टिप्स पे, अभी तक याद नहीं है, ये +1 में कर लेते हैं हम। थ्री डी वन फोर एस टू, थ्री डी टू फोर एस टू, थ्री डी थ्री फोर एस टू, थ्री डी फाइव फोर एस टू, थ्री डी फाइव फोर एस, यहाँ पे वन आएगा, थ्री डी फाइव फोर एस टू, थ्री डी सिक्स फोर एस टू, थ्री डी सेवन फोर एस टू, थ्री डी एट फोर एस टू, थ्री डी टेन फोर एस वन, थ्री डी टेन फोर एस टू। ये एक्सेप्शन हैं दो, अभी तक ये ही नहीं हमें पता। ये 21 एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर होता जाता है ये जो एक्सेप्शन के अलावा, उतने उतने डी में इलेक्ट्रॉन, 21 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करो। इन एक्सेप्शन को छोड़ के, एक्सेप्शन की होती है +1 का। समझ आ रही है? ठीक है जी, अभी हमें क्या पूछ रहे हैं कि वाई इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज को देखो Mn इज क्वाइट स्टेबल व्हाइल द सेम इज नॉट ट्रू फॉर आयरन। आयरन को देखो, आयरन क्या है, 3d6 4s2। मैग्नीज देखो,
3d5 4s2। Mn2 पॉजिटिव का मतलब है Mn ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या बन गया 3d5। अगर आयरन दो इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बनेगा 3d6। तो Mn क्या हो गया, हाफ फिल्ड। Mn क्या हो गया, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड कंफिगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, याद रखना। जहां पे हाफ फील्ड बन रही है इसका मतलब उसकी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आयरन क्या हो गया 3d6, तो ये हाफ फील्ड हुआ, नहीं हुआ। समझ आ रही है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज विद इंक्रीज अटोमिक नंबर। वो कह रहे हैं जी हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल, पहले हाफ में, हाफ स्टार देखो, हाफ मैगनीज तक जाते हुए, इन फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज विद अटोमिक नंबर। क्योंकि अगर +2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकलते गए, दो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये जो है ये स्टेबल होती जाएगी। एस में से, एस में से, डी में से नहीं निकलते, एस में से निकलते हैं ये, एस से, 4s2 4s2 ये वाले। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इलिस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। अब कहते हैं जी देखो, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज की कहते हैं 2 पॉजिटिव स्टेट स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो हाफ फील्ड हो जाएगा, ठीक है जी। अगर एग्जांपल ले आयरन, आयरन के अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये 3d5 बन जाएगा, तो ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। तो आयरन 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होती है। हाँ, 2 पॉजिटिव से, समझ आ रही है। वॉट इज कॉपर पॉजिटिव 1 ज्यादा स्टेबल होगी, मगर हाइड्रेशन इनथैल्पी के कारण कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है, मगर 3d10 होती है। समझ रहे हो, कॉपर पॉजिटिव 1 को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, मगर वो हाइड्रेशन इनथैल्पी के चक्कर के कारण। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होती है, देखो स्कैंडियम से सब सारे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो नोबल गैस कन्फिगेशन में आ जाती है, आ जाती है ना। स्कैंडियम किसके पास पड़ी है, कैल्शियम के पास, तो इनके इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो जाते हैं, तो इनके सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये स्टेबल हो जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कम ही आते होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ये करो, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया, ये मैं अभी ये करो। नेम द ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन विच मेटल एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर। ऑक्सो मेटल केटाइन का मतलब क्या है, के एम एन ओ फोर और के टू सी आर टू ओ सेवन। इस इनको ना याद कर लो दोनों केमिकल्स को, ठीक है। इन दोनों केमिकल्स में अपने अपने मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ आ रही है। अब इसमें मैग्नीज की कितनी है, +7, इसमें कितनी है, +6। कैसे निकालोगे, पोटेशियम की कितनी होती है, +1। मैग्नीज की हमने निकालनी है x, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो ये क्या होगी, -8 +1 +7, ये कितनी है, +2 होगी, 2 पोटेशियम है, 2x, 2x ही होगी, तो ये +6 आ जाएगी। समझ आ रही है। इन दोनों कंपाउंड में इन दोनों एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ आ रही। अब मगर आपको क्या पूछा गया है, आपको कंपाउंड नहीं पूछे गए, आपको पूछे गए हैं एनसीईआरटी की बुक के ना, एक्सरसाइज खोल, अपने खोल बुक है ना तेरे पास, खोल इसकी एक्सरसाइज। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द ऑक्सो मेटल अनायन।
ऑक्सोमेटल एनायन, अगर मैं इसका पोटेशियम रिमूव कर दू ना तो ये ऑक्सोमेटल एनायन बन जाएगा। समझ आ रही है? इसका भी पोटेशियम रिमूव कर दू तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सोमेटल एनायन। समझ गए? तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो उतनी आएगी, इसकी कितनी आएगी? +7। इसकी कितनी आएगी? +2। इधर पोटेशियम एक रिमूव किया तो -1 एक, जिनको अभी तक ये नहीं पता ऐसे समझा देती हूँ, पोटेशियम 2 रिमूव करिए तो 2 नेगेटिव लगा दिया हमने। ठीक है जी। अब ये किसको बिलोंग करता है? थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल के। ये फोर्थ को, ये फिफ्थ को, ये सिक्स्थ को। सिक्स्थ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? 6। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? 7। तो यही क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था कि नेम द ऑक्सोमेटल एनायन ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के इक्वल ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। KMnO4 +7 शो कर रहा है, Mn4 नेगेटिव +7 शो कर रहा है, तो ग्रुप नंबर भी क्या है? 7। Cr2O72 नेगेटिव +6 कर रहा है, तो ग्रुप नंबर भी क्या है? 6। दो ही पूछे उन्होंने, दो ही याद कर ले बस। समझ आ रही है? ये ऐसे क्वेश्चन आने, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, कल से बुक होनी चाहिए आपके पास एनसीईआरटी की। समझ आ रही है सबके पास? पहले मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा के फिर मैंने आपके बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन उठाने हैं सारे, बोर्ड के भी इसी में से आते हैं। जिनको ये क्लियर क्लैरिटी होगी बोर्ड के अपने आप आंसर दोगे आप। रीजन आते हैं डी में, डी में आते ही रीजन है। एक ही है What are lanthanoid? What is lanthanoid contraction? What are its consequence? अब lanthanoid contraction क्या, अभी मैंने समझाई आपको कि lanthanoid contraction क्या है? Atomic size जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके आगे lanthanoids आ जाते हैं, F block में electron जाने शुरू हो जाते हैं, तो size छोटा हो जाता है। तो consequence क्या? यही consequence है, क्योंकि देखो अलोंग द पियर जाते जाते आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन बढ़, इधर से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उधर से साइज छोटा होता जा रहा है, तो मोर और लेस सारे के सारे जो डी ब्लॉक की सीरीज है उनके जो साइज है वो सेम हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंस है कि जो साइज है उनकी सेम हो जाती है। समझ आ रही है? और दूसरा बेसिक नेचर होता है, अब जब आगे क्वेश्चन आएगा ना बेसिक नेचर का मैं समझाती हूँ। हाँ, मोर और लेस उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। आप ये मानो कि अगर मैं आपको अलग अलग कलर के मार्बल दे दूं ना, है तो सारे अलग अलग मार्बल है ना, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक वाइट है, प्रॉपर्टी सेम है, मगर साइज सेम होने के कारण ना, साइज सेम होने के कारण उनको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज भी सेम हो जाता है, आयनिक साइज मोर और लेस सिमिलर हो जाता है। हाँ, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ी जा रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ी जा रहे हैं, न्यूट्रॉन भी बढ़ी जा रहे हैं, मगर क्योंकि अंदर क्या हो गया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सिमिलर साइज होगी। तो इसको द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? लैंथेनॉइड रिसेंबल ईच अदर ड्यू टू सेम आयनिक साइज, द रिसेंबल बिटवीन द प्रॉपर्टी ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज। समझ आ रही है? ये पढ़ना आप। What are the characteristics of transition element? पढ़ लेना characteristics क्या। मैं y वाले question करवा रही हूँ, what वाले अपने आप करने। समझ आ रही है? हाँ। In what way is the electronic configuration? ये भी अपने आप करना, what way वाला, ठीक है। What is the different oxidation state exhibited by a lanthanoid? Lanthanoid से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी एग्जिबिट होती है? जो लैंथेनॉइड होती है बेटे, उनकी स्टेबल कौन सी होती है? कैन एनीवन टेल मी? अच्छा,
राइट डाउन मैंने ना क्लास में भी करवाया था। सीरियम राइट डाउन सीरियम सीई सीई वाई बी सीईयू राइट डाउन सीई सीरियम एंड ईयू होता है यूरोपियम नहीं वाई भी नहीं होगा यूरोपियम सीरियम और यूरोपियम दोनों इनकी प्लस टू प्लस फोर होगी बेटे इनकी गलत लिख रहे हैं दो दो चार लिखो सीरियम यूरोपियम पहले लिख लो सीरियम यूरोपियम गैंडोलियम टर्बियम या टर्बियम चार लिखो सीरियम यूरोपियम सी ई लिखो सी ई ई यू टी बी वाई बी लिख लिया सी ई की प्लस फोर स्टेबल होती है सी ई की प्लस फोर यूरोपियम की प्लस टू टी बी की प्लस फोर वाई बी की प्लस टू वाई बी भी है टी बी भी है बेटे गेंडोलियम जी डी वाला होता है उसकी प्लस थ्री होती है तो आपने एफ पढ़ा हुआ एफ ब्लॉक चलो अभी ना आप ये ब्रेक हुई है ना जरा आपको जरा मैं एफ बंद बता दूं फुल नोटबुक